तो आइए हम आज का वचन सुनते हैं मत्ती 27:20-25। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बार आपके लिए पढ़ता हूं। परंतु मुख्य याजकों और प्राचीनों ने भीड़ को भड़काया कि वे बरब्बा को छोड़ने और यीशु को मार डालने की मांग करें। तब राज्यपाल ने उत्तर दिया कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरब्बा को। पिलातुस ने उनसे कहा कि फिर मैं यीशु का, जो मसीह कहलाता है, क्या करूं? उन सब ने कहा, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। उसने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी अधिक चिल्लाकर कहने लगे कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मुझसे कुछ भी नहीं बन रहा है वरन दंगा होने पर है, तो उसने पानी लिया और भीड़ के सामने अपने हाथ धोकर कहा कि मैं इस मनुष्य के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। इस पर लोगों ने चिल्लाकर उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतनी नफरत, यीशु के लिए इतनी नफरत। क्या किया था यीशु मसीह ने? स्वर्ग से यीशु मसीह क्यों आया था? उसने वो प्रेम हमारे लिए बोया, उसने अपना सिंहासन छोड़ा और वो धरती पर आया ताकि हमें सुख दे, ताकि वो हमें जीवन बताए कि हमें कैसे जीना है। इतनी नफरत। प्रेज द लॉर्ड। वो ये नहीं बता पा रहे कि यीशु ने क्या किया, लेकिन उनकी नफरत कह रही है कि इसे क्रूस पर चढ़ा दे और उसको छोड़ दे, जो बरब्बा, जो हत्यारा था। प्रेज द लॉर्ड। नफरत हमारी बुद्धि बंद कर देती है, नफरत हमें सोचने समझने की शक्ति से दूर कर देती है। परमेश्वर ने क्या बोया धरती पर आकर? परमेश्वर पिता परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में उतारा। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को धरती पर दिया, हमारे पुत्र को, अपने पुत्र को बलिदान कर दिया हमारे लिए, ताकि हम सुख पाए। इतना प्रेम। लेकिन यहां पर क्या है? शैतान ने नफरत भड़ दी, इसको क्रूस पर चढ़ा। वो ठीक है कि नबियों ने लिखा था, परमेश्वर की योजना थी, लेकिन इतनी नफरत। उनमें से कई होंगे जिनको यीशु मसीह ने चंगा किया होगा, उनमें से बहुत से होंगे जिनको यीशु मसीह ने उपदेश सुनाया होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिनके परिवार में चंगाई हुई होगी, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने सुना होगा यीशु मसीह के बारे में कि वो चंगाई दाता है, वो कोलियों को शुद्ध करता है, वो प्यार करता है, वो मुक्ति दाता है, वो उद्धार करता है। सुना होगा लोगों ने, लेकिन नफरत ने उनकी बुद्धि को बंद कर दिया। नफरत की वजह से मेरे भाई वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। वो क्या कह रहे हैं? पिलातुस ने कहा कि मैं इस मनुष्य के लहू से अपने हाथ को निर्दोष कहता हूं। उनके अंदर इतनी नफरत है कि वो समझ नहीं कह रहे। वो क्या कह रहे हैं कि उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर। वो जानते नहीं कि इसका मतलब क्या है। वो अपनी संतान के लिए श्राप मांग रहे हैं, अपनी संतान के लिए श्राप, अपने लिए श्राप मांग रहे हैं। इतनी नफरत वो समझ ही नहीं रहे हैं। बाइबल कहती है नीति वचन 18:21 कि आपकी जीव में मृत्यु और जीवन है। जो इसका सुख चाहता है, जानता है, वही फल पाता है। जीव का सुख बुद्धि से रिलेटेड है। आपके मन में प्रेम होगा, आप कभी भी अपने जीव को गलत शब्दों को नहीं आने देंगे। आपके मन में अगर प्रेम होगा, अपने मुंह से कोई भी गलत बात नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर आपके मन में नफरत होगा, तो ये जो जीभ है ये जहर उगलेगी, ये वो बातें बोलेगी जो आप सुन नहीं सकते। हालेलुया। और वो भाई जो इतनी नफरत लिए हुए थे यीशु मसीह के लिए, वो समझ नहीं रहे थे कि उनके बोलने से उनके परिवार पर पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप आ रहा है। वो श्रापित हो रहे हैं, वो समझ नहीं रहे।
लेकिन नफरत उनके सिर चढ़ बोल रही है, नफरत। यीशु मसीह ने कभी नफरत नहीं बोई, यीशु मसीह ने यही सिखाया है। मत्ती 5:44 अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह कहता है अपने दुश्मनों को माफ करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हेलो, पढ़ो बेटा, मत्ती 5:44 5:44। देखिए, यीशु मसीह नहीं चाहते कि हमारे जीवन में, हमारे मन में नफरत कहीं भी रहे। नफरत हमें तबाह कर देती है। शैतान के अंदर नफरत है, इसलिए वो परमेश्वर की हर बात को नकारता है। और वही नफरत शैतान लोगों के मनों में डालता है, भर देता है नफरत से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, परंतु मैं, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से, जिसने तुमके बैर किया है, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है, जिसने तुम्हारा हक छीन लिया है, जिसने तुम्हारी पीठ पे छुरा घोंपा है, उस बैरी से, उस दुश्मन से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्यों कहा है यह वचन? क्यों है? उसके लिए नहीं है यह वचन, दुश्मन के लिए नहीं है, यह आपके लिए है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे के अंदर नफरत ना आए। इसलिए बेटा, अगर कोई तुझे एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल आगे कर दे, लेकिन अपने अंदर नफरत पैदा मत कर। अपने अंदर नफरत मत आने दे, क्योंकि अगर एक बार तेरे अंदर नफरत आ गई तो परमेश्वर तुझसे अलग हो जाएगा। परमेश्वर नहीं रहेगा, परमेश्वर तेरे साथ नहीं रहेगा। तेरे अंदर प्रेम चाहिए, परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:16 क्या कहता है? परमेश्वर प्रेम है और वो चाहता है कि उसका प्रेम हम में बना रहे, हम में बना रहे वो प्रेम। और अगर वो प्रेम हम में रहेगा तो हम दुश्मनों से प्रेम करेंगे, जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, ताकि हमारा मन शुद्ध रहे। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेम और नफरत में। पिछले सप्ताह मैंने आपको स्वभाव के बारे में बताया था कि आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए। आज मैं आपको नफरत के बारे में बताऊंगा कि नफरत हमको किस तरीके से प्रभु से दूर करती है और प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, 1 यूहन्ना 4:16 जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, ऐसा वैसा प्रेम नहीं। हेलो, जो प्रेम, कौन सा प्रेम? आजकल प्रेम की कई परिभाषाएं हैं, आजकल प्रेम कई हिस्सों में बटा हुआ है। जब हम किसी के सामने होते हैं हमारा दूसरा प्रेम होता है, जब हम सामने नहीं होते दूसरा प्रेम होता है। किसी से हमको लाभ होता है तो हमारा प्रेम अलग होता है, किसी से हमको लाभ नहीं है तो हमारा प्रेम दूसरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो कहता है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वो प्रेम जो पवित्र है, वो प्रेम जो परमेश्वर का है, वो मोक्ष दिलाने वाला है, वो प्रेम जो परमेश्वर का है वो आपके लिए मरने वाला है, आपके लिए त्याग का है, आपके लिए अपने आप को तबाह करने वाला प्रेम है। उसने अपने अस्तित्व को नहीं देखा, यीशु मसीह ने। वो प्रेम हमें पता ही नहीं है कि हमने पाप किया और वो हमारे लिए मर गया, वो प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जुर्म आपने किया, हत्या आपने की, लेकिन एक आपका भाई, एक आपकी बहन पुलिस स्टेशन में जाकर खुद गुनाह कबूल कर रही है, आपको पता ही नहीं है। वो प्रेम, वो प्रेम,
वो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। कौन सा प्रेम? पवित्र प्रेम, बिना स्वार्थ के प्रेम, देने वाला प्रेम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए बेटा, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें, एक मिनट, उसको हम जान गए। कैसे जान गए आप? क्योंकि हम पापी थे, उसने हमें माफ किया। हम श्रापित थे, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बुराइयां थी, मेरा मन दूषित था, मैं लोगों के लिए पाप सोचता था, मेरे अंदर स्वार्थ था, मेरे अंदर व्यभिचार था, मेरे अंदर झूठ था, मेरे अंदर धोखा था। लेकिन अब मैं जान गया हूं कि यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा ही मैं शुद्ध हुआ हूं। वो प्रेम जो पिता परमेश्वर का है, उस प्रेम को हम जान गए हैं इस उस क्रूस पर देखकर। जब से हमने उस क्रूस को पाया है, जब से हमने उस क्रूस के बलिदान को चखा है, हम जान गए कि प्रेम किसे कहते हैं। परमेश्वर यही चाहता है, बाइबल यही चाहती है कि आप प्रेम को जाने, उस क्रूस को पहचाने। जिस दिन आपने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया मेरे भाई, वाकई कोई आपके मुंह पे थूकेगा ना तो आप कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। ये लोग जो कह रहे थे पिलातुस से कि इसको क्रूस पर चढ़ा, उसके मुंह पे थूक रहे थे, इतना नफरत उन लोगों के दिल में भरी हुई थी। क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह क्यों चुप थे? क्योंकि यीशु मसीह उनके मन से नफरत निकालना चाहते थे। वो कहते थे नहीं, मेरा बलिदान सबके लिए हो, मेरे बलिदान से इनको भी आजादी मिले। इसलिए जाते जाते उसने कहा, पिता इनके माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उसने माफी दी ताकि आपके मन से नफरत निकले। और यही हुआ महायाजक जो क्रूस पर था, सैनिक जो हंसी ठट्टा कर रहे थे, अरे मंदिर को बनाने वाले नीचे उतर अगर तू बना सकता है तो। जैसे ही उसने सुना कि यीशु मसीह माफ कर रहे हैं, उसने कहा ये परमेश्वर का पुत्र है, ये स्वर्ग से आया हुआ है, ये धरती का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो बरप्पा, वो खूनी हत्यारा, जब उसको पता लगा कि मुझे छोड़कर वो यीशु मसीह जो प्रेम लेकर आया था उसको क्रूसीफाइड किया, उसका जीवन बदल गया। उसने बुरे काम छोड़ दिए। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, बाइबल में नहीं है, उस बरब्बा ने बुरे काम छोड़ दिए। उसने कहा मेरी, मुझे बचाने के लिए यीशु मरा। इसलिए जो प्रेम, शुरू से पढ़ो, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। आमीन। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरी बहन, अगर आपके जीवन में, आपके मन में प्रेम नहीं है और नफरत है, परमेश्वर आपके साथ नहीं है, परमेश्वर आपके अंदर नहीं है, ये जान लीजिए। अगर सुबह उठते ही आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होती है, नफरत उत्पन्न होती है, क्षमा की भावना नहीं आती है, आप समझ लीजिए प्रभु आपके अंदर नहीं है। ये प्रमाण है, चाहे कोई भी हो। इसलिए उसने कहा एक दूसरे से प्रेम करो, यूहन्ना 13:34-35, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा करो, जैसा यीशु मसीह ने प्रेम किया है। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रेम जिसमें उसने अपने लिए हमारी अपनी जान दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया है वैसा प्रेम करो। किससे? उस बहन से, इस बहन से, इस भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने वॉचमैन से।
कोई आपके घर में आया तीसरा भाई उससे पढ़ो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। Amen. जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। Praise the Lord. जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वो प्रेम उसने दिखाया है हमको। आज से 2018 साल पहले वो प्रेम हमें दिखाया गया है। परमेश्वर ने क्रूस पर उस प्रेम को दिखाया है, खुल्लम खुल्ला उसने दिखाया है कि ऐसा प्रेम करो। यूहन्ना 10:11 ऐसा प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया है। तुम्हें शुद्ध करने के लिए मैंने अपना त्याग दिया है, अपना बलिदान दिया, अपना लहू का एक एक कतरा दिया है, वैसा प्रेम करो। यूहन्ना 10:11 अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपनी प्राण दे देता है, उनकी रक्षा के लिए। वो चरवाहा जब भेड़ों को लेकर जाता है उस चराई की तरफ, उस घास की तरफ, उस झरने की तरफ जहां पानी मिलता है, जहां रोटी मिलती है, पहले चरवाहा देख कर आता है उस जगह को। वो चरवाहा अच्छा चरवाहा कौन होता है कि मैं अपनी भेड़ों को कहां लेके जा रहा हूं? वो पानी मिलेगा उनका, उनकी प्यास बुझेगी, उनकी भूख मिटेगी, उस जगह लेकर जाता है चरवाहा। और वो मेरा यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे पता है कि हमें जीवन कहां मिलेगा, उसे पता है कि हमारी प्यास कब बुझेगी, इसलिए स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया। वहां लेके जाता है अच्छा चरवाहा, जहां हमें तृप्ति मिलेगी, जहां हमें सुख मिलेगा। अच्छा चरवा वो होता है जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। 12 चेलों को यीशु मसीह ने चुना, ध्यान दीजिए, उन्होंने अपना जीवन त्याग कर यीशु मसीह के पीछे चले, बोले मेरे पीछे आओ, चल दिए। पूरी बाइबल पढ़िए, क्या दिया यीशु मसीह ने उनको? किसी को गाड़ी दी, बंगला दिया? आज हर कोई चेला जो बनना चाहता है वो कुछ ना कुछ चाहता है। क्या दिया 12 चेलों को? क्या दिया पूछो, देखो आप पढ़ो। वो मछलियां निकाल के दी थी पतरस को, वो भी उसको बोला छोड़ मेरे पीछे चल। कुछ दिया चेलों को? लेकिन एक चीज थी, वो पतरस उस लंगड़े के पास गया, उस सुंदर फाटक के पास मंदिर में जब बैठा हुआ था, पतरस ने कहा कि ए लंगड़े भाई, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। उसके पास क्या था? वो प्रेम। उस लंगड़े को उसने शरीर की चंगाई नहीं दी, मन की चंगाई दी। उसके मन में प्रेम भर दिया। वो 40 साल से मंदिर के बाहर ही खड़ा हुआ था, वो मंदिर के अंदर नहीं जा रहा था। पतरस ने उसे मंदिर का रास्ता दिखाया, उसे पिता से मिलवाया। ये था पतरस के पास, ये था चेलों के पास वो प्रेम। यीशु मसीह ने जाते जाते क्या किया? सारे चेलों के पैर धोए। प्रेज द लॉर्ड। क्या दे रहे थे यीशु मसीह उनको? प्रेज द लॉर्ड। उनके मन में प्रेम का बीज बो रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि जैसा मैंने किया है वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ करना, क्योंकि अगर तुम प्रेम नहीं करोगे तो नफरत आ जाएगी मेरे बच्चे तेरे अंदर, और अगर नफरत आ गई तो मैं तेरे अंदर नहीं रहूंगा, परमेश्वर नहीं रहेगा। अगर मेरे अंदर किसी के लिए नफरत आ गई मेरे भाई, परमेश्वर नहीं रहेगा आपके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उन्होंने चेलों के पैर धोए। जब्ती के पुत्रों की मां आई यीशु मसीह के पास कि मेरे दोनों बच्चों को अपने दाहिने और बाएं बैठा, मैं वो प्याला पीने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। उससे कोई सोना चांदी मांगने नहीं आई,
मेरे चेलों को मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी लगवा दे। नहीं, हम यीशु मसीह के पास आते हैं, वो जो स्वर्ग का अधिकारी है, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। मत्ती 28 का 19 में लिखा हुआ है, मेरे पास क्या है? स्वर्ग का अधिकार। वो दीन बन गया, उसने कहा कि प्रेम करो, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियन 13:1-2, पहला कुरिन्थियन 13:1-2, प्रेम क्या है, प्रेम हमें क्यों करना चाहिए, प्रेम क्या देता है हमें। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए, यदि मैं मनुष्यों और सरदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। कितनी ही बाइबल आप लेकर अपने सीने पर रखें, कितनी ही जोर जोर से बाइबल पढ़ें, अगर आपके पड़ोसी के लिए आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप ठनठनाती हुई ढंडी हैं, घंटी हैं, या कुछ नहीं है आप, कुछ नहीं है आप। दूसरा, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और सब भेदों सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, यानी कि पूरा ज्ञान मुझे आ जाए, सारे भेद मुझे पता लग जाएं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं पर प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, और अगर प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। प्रेम आधार है हमारा। यीशु मसीह क्या लेकर आए थे? प्रेम। शाऊल को यीशु मसीह ने किससे जीता? प्रेम से। थोमा के अविश्वास को किससे दूर किया? प्रेम से। पतरस के इनकार करने के बाद क्या दिया परमेश्वर ने? प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। क्या देने गए थे पतरस को? प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है मेरे भाई, हम परमेश्वर के द्वारा उपयोग नहीं हो पाएंगे। मेरे अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर से नफरत को निकलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए मैं आपको बताता हूं पौलुस के बारे में, एक्ट 16:23-34 के बीच में। पौलुस को जब परमेश्वर ने चुना, पौलुस क्या करता था? पहले व्यवस्था के अनुसार चलता था और आराधना का विपरीत काम करता था, विरुद्ध था, मारता था, कूटता था, जो यीशु मसीह के को पूछता था, जो यीशु मसीह के पीछे जाता था उनको घसीट कर जेलों में बंद कर देता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब वही पतरस यीशु मसीह के द्वारा चुना गया, जब उसी पौलुस को यीशु मसीह ने प्रेम दिया, जब उसी पौलुस ने यीशु मसीह के प्रेम को जान लिया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से समझिए कि प्रेम हमारे जीवन में क्या कर सकता है और परमेश्वर क्यों चाहता है कि हमारे अंदर प्रेम बना रहे। मैं आपको बताऊं, ये जो आज्ञाएं हैं, ये जो नफरत ना करना, घृणा ना करना, क्षमा करना, दुश्मनों से प्यार करना, ये सारी आज्ञाएं आपकी भूमि को तैयार करने के लिए हैं। ये ज्ञान नहीं है। नफरत ना करने से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी भूमि तैयार हो जाएगी। ये जो 10 आज्ञाएं हैं, कितने लोग 10 आज्ञाएं जानते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लोग ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं कि पूछ ना ले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 10 आज्ञाएं क्या है? 10 आज्ञाएं ज्ञान नहीं है। 10 आज्ञाएं आपकी भूमि को तैयार करने के लिए है। आपकी इस भूमि को तैयार करने के लिए आज्ञाएं हैं। आपका स्वभाव यीशु मसीह जैसा होना चाहिए, उससे आपकी भूमि तैयार होगी।
आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, आपकी भूमि तैयार होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जब आपकी भूमि तैयार हो जाएगी तब आप उस ज्ञान को लेंगे, तब आप जब उस क्रूस को जानेंगे तो उसका ज्ञान आपको सिद्ध कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ज्ञान जब आपकी भूमि तैयार हो जाएगी। हम अपनी भूमि को तैयार नहीं करते हैं और उस ज्ञान को पाने की कोशिश करते हैं और हम नहीं ले पाते क्योंकि हमारी भूमि तैयार नहीं है। हम खाना चाहते हैं लेकिन हमारी गैस बंद है। प्रेज द लॉर्ड। आपका आपका पेट कौन भरता है? रोटी भरती है। प्रेज द लॉर्ड। अब एक गैस पे आपने तवा रखा हुआ है, आपके पास आटा भी है, आपने रोटी बेली और ऐसी गोल बनाई चांद के मुताबिक, हाँ हाँ बिल्कुल गोल रोटी आपने बना दी चांद के जैसी। प्रेज द लॉर्ड। और उस तवे पर डाल दी और भूख लगी है, खड़े हुए हैं आप, वो रोटी बनेगी? क्योंकि आपने आग तो जला ही नहीं। उस रोटी को बनाने के लिए वो आग कौन सी है? वो आग कौन सी है? वो ये है आज्ञाएं। प्रेज द लॉर्ड। आपकी भूमि को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं। तुम दीन बनो, तुम नम्र बनो। धन्य है वो जो मन का शुद्ध है क्योंकि परमेश्वर को देखेगा। धन्य है धार्मिकता का जो भूखा प्यासा है। आपकी भूमि को तैयार करने के लिए वो उपदेश हैं। लेकिन एक बार आपकी भूमि तैयार हो गई उसके बाद परमेश्वर का ज्ञान आपको मिलता है। वो पहला चरण है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर पौलुस सुसमाचार सुना रहा है और वहां के न्यायाधीश उन्होंने उठाया उसको और पौलुस को और सिलास को जेल में बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने सुसमाचार सुनाया, उसने यीशु मसीह के बारे में बताया और उसको जेल में बंद कर दिया। कौन था उसके साथ में? सिलास। प्रेज द लॉर्ड। अब आप देखिए क्या होता है 23 से 34 के बीच में। बहुत वेद लगवा कर उन्होंने उसे बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकी से सिर रखे। प्रेज द लॉर्ड। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर को कोठरी में रखा और उनके पाव काट में ठोक दिए। 23 से पढ़ेंगे दोबारा। हालेलुया। 23। बहुत से बेत लगाकर किसे बेत लगाए? पौलुस को और सिलास को। बहुत से बेत लगाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। बहुत मारा। उसका क्या गुनाह था? अगर कोई आपको मारेगा तो आपके मन में प्रेम आएगा कि नफरत आएगी? अगर आपको कोई मारेगा तो आपके मन में क्या आएगा? है नफरत। यही तो नहीं आनी है। यही तो पौलुस था। आप देखिए उसने क्या किया। बहुत बेत लगाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उस पर चौकसी करो। जैसे कोई बहुत बड़े चोर हो, जैसे उन्होंने बहुत कुछ चुरा लिया हो, बहुत बड़ा गुनाह किया हो। आगे 24वां। उसने ऐसी आज्ञा पाकर किसने आज्ञा पाई? दरोगा ने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उन्हें भीतर की कोठरी में, यानी कि जेल में एक आगे की कोठरी थी और एक भीतर की कोठरी में थी। आगे की कोठरी में मामूली चोरों को रखा जाता था लेकिन भीतर की कोठरी में बड़े चोरों को, बड़े डाकुओं को रखा जाता था। प्रेज द लॉर्ड। तो भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव में काट में ठोक दिए। उनके पांव के ऊपर, पांव को जंजीरों से नहीं आना, काट लगा दिया। लकड़ी का एक होता है, बंद होता है जिसको बांध देते हैं, ऐसे आप चल भी नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। इतना उन पर स्ट्रिक्ट अनुशासन रखा, उन्हें काट से बांध दिया। आगे आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास
प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। अकेले नहीं थे वहां पर, ये पौलुस और सिलास, इनको इतनी मार पड़ी, जंजीरों से बांध दिया, लेकिन आधी रात वो स्तुति आराधना कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। कौन थे वहां पर साथ में? दूसरे कैदी जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे। हालेलुया। अब आप सोचिए पौलुस क्या कर रहा था, आराधना कर रहा था। उसके पास ढोलक थी, तबला था, गिटार था, उसके पास क्या था? जंजीरें। बस जंजीरें बजाकर प्रभु की स्तुति कर रहा था, उसकी आराधना कर रहा था। वो गा रहा था कि धन्यवाद यीशु, तूने बलिदान दिया था कि हमें सुख मिले, धन्यवाद यीशु तूने हमारे पापों को हर लिया, धन्यवाद यीशु दया कर, इस दरोगा पर दया कर, ये नहीं जानता तुझे परमेश्वर, ये जाने, हालेलुया, दुनिया जाने परमेश्वर, इनको उद्धार मिले, ये पापों से मुक्त हो जाए पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो स्तुति कर रहा था, आराधना कर रहा था, सुसमाचार दे रहा था और धन्यवाद कहता हुआ आनंद के साथ अपनी स्तुति और आराधना में मग्न था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए उस दृश्य को, दरोगा सो रहा है, उसके साथ कैदी हैं और ये इन्होंने अपनी मार को भूल गए, इनको बहुत मारा। आनंद क्या था उनके अंदर? नफरत ही की प्रेम था। प्रेज द लॉर्ड। उनके अंदर नफरत नहीं आई, बिला वजह मार खाई। कोई बिला वजह हमें देख भी ले तो हम कहते हैं अरे क्यों, क्या हुआ भाई, क्या देख रहा है? नहीं, आप दो मिनट किसी को देखिए, क्यों, क्या देख रहे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। उसने बिला वजह मार खाई, लेकिन वो जानता था कि मैं किसके लिए मार खा रहा हूं, प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? इतने में एक बड़ा भूकंप आया, हाँ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। इतने में एक का एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि धर्मी की नींव हिल गई, बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, सबके बंधन, पौलुस और सिलास के नहीं, वो जो और कैदी थे उनके भी बंधन खुल गए। प्रेज द लॉर्ड। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रेम में कितनी ताकत है, प्रेम में कितनी शक्ति है, सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। आगे दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर, दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार देखकर खुले समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। प्रेज द लॉर्ड। दरोगा ने देखा अरे द्वार खुले हुए, सब कैदी भाग गए होंगे, इसलिए उसने कहा कि अब सुबह जब मैं सामने न्यायाधीश के पास जाऊंगा और ये बोलूंगा कि सारे कैदी भाग गए तो मुझे मार डालेंगे, इससे अच्छा मैं अपने आप को खुद ही मार डालूं। और जैसे उसने तलवार खींचकर अपने आप को मारने लगा, अगला वचन, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा है दरोगा भैया, हाँ जी, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा क्योंकि हम सब यही है। हम सब यही हैं, हम भी, मैं सिलास भी और कैदी भी। सोचिए उसकी स्तुति, सोचिए उसकी आराधना। क्यों नहीं भागा पौलुस, क्यों नहीं भागा? खुल गए थे ना, भूकंप हुआ था, वो भाग सकता था? नहीं, उसके अंदर प्रेम था उन आत्माओं के लिए। वो कह रहा था अगर मैं भाग गया तो जिनको मैंने सुसमाचार सुनाया है वो मेरे बारे में क्या बोलेंगे कि यीशु मसीह ने, मतलब इसको मौका मिला और इसने अपनी जिंदगी को बचाया? नहीं, उसने दरोगा को बताया कि मैं यीशु मसीह का भक्त हूं। मुझे यीशु ऐसी आजादी देकर गया है कि मेरे जीवन में इस आजादी की कोई कीमत नहीं। मैं आजाद हूं, तुम मुझे बेड़ियों से बांध लोगे तब भी मेरी आजादी खत्म नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। तुम मुझे बेतों से मारोगे तब भी मेरा अधिकार स्वर्ग का ही है। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले पल में मैं आऊंगा और 1000 साल यहां पर राज्य करूंगा। वो प्रेम की शक्ति थी। और जैसे दरोगा ने कहा अरे ये नहीं क्या है, ये कौन है, मैंने इसको मारा,
और ये अभी दरोगा कह रहा है, कह रहा है दरोगा साहब अपने आप को मत मारो, ये मुझे, मैंने इसको इतना मारा और ये मुझसे इतना प्रेम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस के प्रेम ने दरोगा के मन को बदल दिया। हालेलुया। आपकी नफरत किसी को नहीं बदलेगी, लेकिन आपका प्रेम सबको बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने अंदर प्रेम रखो। तुम प्रेम से दुनिया को जीत सकते हो, प्रेम से दुनिया को जीत सकते हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुन्ना भाई एलएलबी बहुतों ने देखी होगी, वो सिर्फ पूरी बाइबल है, उसमें गांधी जी को रख दिया, सिर्फ सारे उपदेश जो संजय दत्त बोलते हैं वो गांधी जी का है पूरा। अगर वो यीशु मसीह को रखता तो धार्मिक फिल्म बन जाती, इसलिए उसने गांधी जी को रखा। प्रेम से जीता है उसने, अगर आप देखेंगे प्रेम से उसने सब कुछ जीता है। हालेलुया। इसलिए उसने प्रेम से जीता। आगे, तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने दीपक मंगवाया और देखा कि पौलुस और सिलास यहीं पर हैं। वो कांपता गया और उनके हाथ उनके सामने गिर गया। उसका एहसास हुआ कि ये कौन है, ये कौन महान लोग हैं जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने मेरे बारे में सोचा। यही तो प्रभु का सुसमाचार है, यही तो ज्ञान है। जब यीशु आपको चुनता है वो कहता है कि तुम अपने नहीं हो, तुम मेरे हो। हेलो, आप लोग समझे कि नहीं? हेलो। यहां पौलुस ने बता दिया पहला कुरिन्थियों 6:19 कि पवित्र आत्मा का मंदिर हमारे अंदर है, हम पवित्र आत्मा के, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन हम अपने नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। दरोगा को कौन सा वचन छू लिया? उसने कहा इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन मेरे जान की परवाह की। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप अपनी जिंदगी नहीं परमेश्वर के लिए जिंदगी जिएंगे, मेरे भाई परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य से आपके आशीष देगा। अद्भुत सामर्थ्य, वो महान है पिता। जिस दिन हम जान जाएंगे कि जिंदगी मेरी नहीं है, उस दिन हमारे मन में मेरा तेरा नफरत आएगी नहीं। आपको लेना है ले जाओ, आप बड़े मैं छोटा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ज्ञान ज्यादा है मुझे कम है। हमें अपनी शांति नहीं खोनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। दरोगा क्या पता लगा? उसके पास आया। अगला, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे साहिबों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरा ये जीवन किसी चीज का नहीं है, मैंने देख लिया है। अब मुझे बता कि मैं यीशु का कैसे बन सकता हूं, मुझे बता, क्योंकि तू यीशु का सुसमाचार देता है और मैंने आज तुझ में यीशु को देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने सिर्फ सुसमाचार ही नहीं दिया, मेरे भाई हम सिर्फ सुसमाचार देते हैं, हम यीशु जैसा नहीं चलते, हम सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, हम वचनों के अनुसार नहीं चलते। पौलुस के अंदर दरोगा ने यीशु को देखा, उस आनंद को देखा। मार खा रहा है लेकिन धन्यवाद बोल रहा है, धन्यवाद यीशु मैं तेरे लिए पिट रहा हूं, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दरोगा ने कहा कि मैं घर में अपने गद्दे के ऊपर भी ऐसा आनंद से नहीं जीवन बिताता हूं, तू जंजीरों के बीच में आनंदित है। ये कौन इशू है? इसको मैं जानना चाहता हूं, इसको मैं पाना चाहता हूं। और सिर्फ दरोगा ने ही नहीं लिया उद्धार, सारे सैनिक सारे कैदी वहां पर थे, सारे कैदी वहां से भागे नहीं, उन सारे कैदियों ने आशीष पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगला क्या बहन जल्दी बताइए। उन्होंने कहा, हाँ। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। आगे, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हाँ। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर
उसके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों को समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। किसने घाव धोए? दरोगा। किसने घाव धोए? दरोगा ने, जिसने मारा था। प्रेम आदमी को बदल देता है, प्रेम दुश्मन को बदल देता है। पौलुस के अंदर प्रेम था, नफरत नहीं थी। पौलुस के प्रेम ने उस दरोगा को बदल दिया। वो दरोगा जिसने उसे हंटर मारे थे, बेत मारे थे, वही दरोगा उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था, उसके लिए भोजन बना रहा था। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा सुसमाचार, ऐसे सुसमाचार का सामर्थ्य और कहां है? सोचिए आपके पास क्या शक्ति है, प्रेम की शक्ति। पहला योना 13:2 निकालिए, दूसरा हमने पढ़ा नहीं। वो शक्ति आपके अंदर, प्रेम। अरे प्रेम से आपने आजादी पाई है। हिंदुस्तान को गांधी जी ने प्रेम से, गांधी जी बाइबल पढ़ते थे, ये बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यीशु मसीह पर बिलीव करते थे गांधी जी, और उन्होंने बाइबल के वचनों के द्वारा ही हिंदुस्तान को आजादी दिलवाई है। अहिंसा नहीं की, प्रेम किया। हिंदुस्तान आजाद है आज क्योंकि प्रेम किया उन्होंने। प्रेम क्या है? 1 कुरिन्थियन 13:2, 1 कुरिन्थियन। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, पांचवा, वो अनरीति से नहीं चलता। कौन? प्रेम। वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। अगर आप किसी का बुरा मानते हैं, इसका मतलब प्रेम आपके अंदर नहीं है। अगर आप झुंझलाते हैं तो प्रेम आपके अंदर नहीं है। वो अनरीति से, सही रीति से चलता है, अनरीति से नहीं, गलत रीति से नहीं। गलत रीति से जीवन नहीं बिताता। अगर आप गलत रीति से जीवन बिताते हैं, आप प्रेम नहीं, आपके अंदर प्रेम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 18:21-22, इसी विषय पर पतरस ने यीशु मसीह से सवाल किया था। मत्ती 18:21-22, ध्यान से सुनिए इस सवाल को। हालेलुया। Matthew 18:21-22, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक वरन 7 बार के 70 गुने तक। यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार वरन 7 बार के 77 गुना तक। यानी कि एक दिन में 490 बार एक ही गलती पर। अगर आपका भाई गलती करे, उसको आपको 490 बार माफ करना है, यानी कि हमेशा माफ ही करना है। आपके पास कोई इख्तियार दूसरा नहीं है। आप गलती करें, आपको माफी करना है, तभी आपके अंदर प्रेम बना रहेगा। अगर आपके अंदर माफ नहीं करने की भावना है तो प्रेम आपके अंदर नहीं है। 7 के 77 गुना, 490 times आपको माफ करना है एक आदमी को। प्रेज द लॉर्ड। क्यों माफ करना है पता है? क्योंकि आपको पता नहीं पिता कितनी बार माफ करता है। हम कितनी गलतियां करते हैं लेकिन फिर भी पिता माफ करता है हमें। आप नहीं जानते। जिस दिन आप जाएंगे और आपका लेखा दिया जाएगा ना, तब आपको एहसास होगा, मैंने ये यहां भी गलती की थी। आपको खुद एहसास होगा, आपको खुद एहसास होगा। हम दूसरे की गलतियों को देखते हैं, अपनी गलतियों को नहीं देखते। हम दूसरे की मिस्टेक्स को देखते हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, हमने क्या किया? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि 7 के 77 बार माफ कर, ताकि तुझ में प्रेम बना रहे।
क्योंकि तेरा प्रेम तुझे परमेश्वर के पास लेकर जाएगा। मेरी बहन, आपकी नफरत लेकर नहीं जाएगी। अगर आपके अंदर नफरत है और प्रभु आ गया तो आपको लेकर नहीं जाएगी। मैं आपको बता दूं, प्रेम ही आपको लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 25:31-46 के बीच में इसको ध्यान से पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन ये प्रेम और नफरत के बारे में आपको सही बताएगा परमेश्वर क्या चाहता है। ये ध्यान से सुनिए, मत्ती 25:31-46 के बीच में। तब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। जब यानी कि रैप्चर की बात हो रही है, जब मनुष्य का पुत्र बादलों पे सवार होकर आएगा। आगे सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, सारे स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तब वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराज होगा, बादलों पे सवार होगा। हालेलुया। आगे, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसी चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, और जैसा चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया। भेड़ अलग, बकरी अलग। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो न्याय करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। वो किसको लेके जाने वाला है? ध्यान दीजिए, हम चाहे 50 साल से प्रभु में है, चर्च आ रहे हैं, बाइबल भी जानते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। हालेलुया। आगे, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया है, जो उत्पत्ति से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है, आओ उस सिंहासन पर बैठो। आमेन। क्योंकि मैं भूखा था, ध्यान दीजिए, और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधी ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये किसका काम है? उन धर्मियों का, जिसको उसने चुना है अपने साथ ले जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अब वो लोग क्या कहते हैं? अब देखिए, यहाँ समझिए इस वचन को। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा या पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े दिए। हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी को एक के साथ किया हुआ मेरे ही साथ किया। प्रेज द लॉर्ड, कि तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए, बच्चों के साथ, अगर तुमने इनको रोटी दी है तो तुमने मुझे दी है, तुमने इनको पानी पिलाया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कैसे उन्होंने रोटी दी? उनके मन में क्या था? प्रेम। एक नंगे को अपने कपड़े उतार के कौन दे देता है? अगर उसके अंदर प्रेम होगा। Yes, Lord. आप जिसको नहीं जानते उसको रोटी के लिए कैसे आप बोलेंगे? आपके अंदर प्रेम होगा। किसको लेके जाएगा प्रभु? ये सारी चीजें कौन कर सकता है? जिसके अंदर प्रेम होगा। मैं बंदी गृह में था तो मुझसे मिलने के लिए आया, मैं बीमार था तो मुझे मिलने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाई, हमें अपने आप को जांचने के लिए कम से कम 15 दिन में एक बार आप किसी अस्पताल में जाइए, एक जनरल वार्ड में जाइए, उनके लिए प्रार्थना करिए, अपने प्रेम को निछावर करिए,
आपके पैसे हैं, ग्लूकोज का बिस्किट का एक पैकेट लेके जाइए। बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बहन मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। करिए, 15 दिन में, महीने में 1 घंटा दीजिए हॉस्पिटल्स में, जाइए बताइए यीशु के बारे में, बताइए उस प्रेम के बारे में, जांचिए कि आपके अंदर प्रेम है कि नहीं है। ये जांचने का है मौका सेवा आपके अंदर एक आपके अंदर पैदा करती है कि आप सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिससे आपको फायदा है उसको तो हर कोई खिलाते हैं, अपने बच्चे के बर्थडे में आप उसी को बुलाते हैं जिससे आपको कुछ मिलने वाला होता है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे अंदर प्रेम हर पल रहे और हरेक के लिए रहे। यस आमेन, यस लॉर्ड, हरेक के लिए। ये नहीं कि मैं अगर उसका बॉस हूं तो मैं कुछ भी करा सकता हूं उसे, नहीं। अगर मेरा अधिकार उसके ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे गुलाम बनाऊं। अब बकरियों के लिए वो क्या कहता है? तब वो भाइयों और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उन अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। आमीन। तब बाई और वालों से उसने कहा, जो बकरी थे उनको कहा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत काल में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए मैंने तैयार की है। क्योंकि मैं भूखा था, और तुमने मुझे खाने नहीं दिया। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। मैं बीमार और बंदीगृह में था लेकिन तुमने मेरी सुधि नहीं ली। अब वो क्या बोलते हैं? तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, कब तुझे प्यासा देखा, कब तू बंदीगृह में था, कब तू अस्पताल में था और हमने तेरी शुद्धि नहीं ली, कब ऐसा हुआ? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया हुआ, मेरे साथ भी नहीं किया। Praise the Lord! मैंने तुम्हें आशीष दी है। आज हम मसीह हैं। अगर मेरे पास आशीष है तो मुझे आशीष का कारण बनना है। और अगर मैं आशीष लेकर आशीष का कारण नहीं बनता हूं तो मेरे मन में प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है क्या? नहीं था इनके मन में प्यार? प्यार नहीं था, क्या थी? नफरत। अरे छोटा यार, छोड़ो उसको। आजकल कई चर्चेज में आपको ऐसे बता दूं जहां पर गरीब लोगों की एंट्री नहीं है। कई चर्चेज मैं जानता हूं जहां गरीब लोग नहीं जा सकते। मुझे बहुत दुख होता है जहां अमीर आगे वाली सीट पर बैठाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अंदर अगर प्रेम है तो मैं एक नंगे को देखकर अगर मेरे मन में दया नहीं आती मेरे भाई, तो मेरा जीना बेकार है, मेरी सेवा बेकार है, बेकार है। हाँ, आज के जमाने में, क्योंकि आज ऐसा माहौल हो गया है, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि हर एक को हम घर में नहीं ले सकते, हर एक के लिए हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते, लेडीज अकेली हों, वो प्रिकॉशन लेना है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो हम हेल्प कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम आपको प्रभु के पास लेके जाएगा। आपका स्वार्थ, आपका लालच, आपकी नफरत आपको यहीं छोड़ देगा। चुने हुए थे वो लोग, सब चुने हुए थे। एक को दाईं ओर रखा, एक को बाईं ओर। वो भी कलीसिया आते थे, ये भी कलीसिया आते थे, ये भी बाइबल पढ़ते थे, वो भी बाइबल पढ़ते थे, ये भी दशांश देते थे, वो भी दशांश देते थे। लेकिन तेरे अंदर प्रेम है कि नहीं है? आज हम दशांश कैसे दे रहे हैं?
आज भी हमारे कलीसिया में सिक्के आते हैं, 2 के सिक्के 5 के सिक्के आते हैं। क्या 2 रुपए की आपको चाय मिलती है? आपने परमेश्वर को इतना हल्का बना दिया, जो चीज कहीं नहीं चलती हम चर्च में चला देते। प्रेज द लॉर्ड। किस भावना से आप आए हैं, किस भावना से आप दे रहे हैं? आप प्रभु को दे रहे हैं। प्रेम आपकी भावना को सुरक्षा देता है, प्रेम आपकी भावना को बुद्धि देता है, प्रेम आपके मन में दया लेकर आता है। क्या परमेश्वर के मन में क्या है हमारे लिए? प्रेम। पहला योना 4:10, उसने अपने ऐसा, उसने जो हमसे प्रेम किया है कि अपने एक लौते पुत्र का बलिदान कर दिया जबकि हम पापी थे। पहला योना 4:10, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों का प्रायश्चित कौन कर रहा है? यीशु। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मीडिएटर कौन है? यीशु। इस समय भी हम कोई गलती करते हैं, इन्हें माफ कर, माफ कर। आज भी हमारी मध्यस्थी कर रहा है, लेकिन एक बार यीशु आ गया इसलिए हमारे अंदर से प्रेम ना निकले। हम कलीसिया में आ रहे हैं, हमारे अंदर प्रेम हो, समर्पण हो एक दूसरे के लिए। पहले आना 4:20 क्या कहता है कि अरे भाई जो दिखता है अगर तुम उससे प्रेम नहीं करते, जो जो नहीं दिखता है तुम उससे कैसे प्रेम करोगे? जो दिखता है, मेरी बहन कलीसिया में मेरे संग आती है, मेरा भाई कलीसिया में आता है, मैं इसको जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं उससे प्रेम नहीं करूंगा, अगर उसके लिए मेरे मन में करुणा नहीं आएगी, दया नहीं आएगी, तो प्रभु से मैं कैसे प्रेम करूंगा? हालेलुया। इसी से प्रेम जानता है। 8:32, रोमियो 8:32 क्या कहता है? रोमियो 8:32, जिसने अपने निजी पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हमें सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? सब कुछ प्रेम के द्वारा उसने हमारे मन में, पुत्र के द्वारा उसने हमें प्रेम दिया। यीशु हमें सब कुछ दे चुका है, सब कुछ दे चुका है। जैसे आप अपने घर से निकलते हैं ना, अपना बटुआ देखते हैं, बटुआ है, रुमाल है, गाड़ी की चाबी है, सब कुछ है, चश्मा है, ऑफिस के लिए सब कुछ है। इसी तरह का निकलने से पहले देखिए, प्रेम है दूसरों के लिए? प्रेम है कि नहीं मेरे लिए, मेरे अंदर है कि नहीं है? मैं घर से निकलते समय अपने बॉस को प्रेम कर रही हूँ या कि आज फिर जाना पड़ेगा, उसका फिर मुंह देखना पड़ेगा? Praise the Lord। नहीं, हमें जांचना है, अपने प्रेम को जांचिए। मैं सच कह रहा हूं, दुश्मनों से प्रेम करने का मतलब क्या है कि अपने मन से नफरत को निकालिए। दुश्मनों के लिए नहीं है यह वचन, ये दूसरों के लिए नहीं है, आपके लिए है कि दुश्मनों से प्रेम करो ताकि तुम्हारे अंदर जो दुश्मन के लिए नफरत है उसको निकालो। नहीं तो दुश्मन का तो भला होगा या बुरा होगा बात की बात है, तुम चले जाओगे, आसमाइश में आ जाओगे। तुम अपने आप को संभालो, इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें सता रहा है उसके लिए घुटने टेको कि प्रभु उसे माफ कर, मैं उसे माफ करता हूँ, उसने मुझे सताया, उसने मुझे रुलाया, उसने मुझे धमकी दी, ताकि तुम्हारे अंदर नफरत ना रहे। अच्छा,
मैं अंदर नफरत, मुझे आज कोई बात नहीं, आज मैं अकेला हूँ, आज मैं कुछ नहीं कर सकता. नो प्लीज, अपने अंदर नफरत मत आने दो. अगर वो भाई वो बहन ना समझी कर रहा है तो आप मत करो. हेलो. इसलिए यीशु मसीह वहां से निकल जाते थे. फारसी नहीं मानते थे बात, निकल जाते थे. निकल जाओ. ओके जी, आप बड़े मैं छोटा हूं, निकल जाओ. अपनी शांति मत खो. धन्यवाद. हमें वचन में बने रहना है. आपको जमीनी रिश्ते प्यारे हैं या प्रभु प्यारा है? प्रभु. मुझे अगर प्रभु प्यारा है तो मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, और मुझे अगर जमीनी रिश्तों से प्यार है तो मैं उनके लिए जीऊंगा. आपके पास है, आप करिए फैसला. किससे प्यार है आप? रोज की टेंशन मैं क्यों लूं? Praise the Lord. मेरा प्रभु मुझे मिल गया है. Yes. उसका प्रेम मेरे अंदर है. Yes, Lord. इसलिए अपने अंदर प्रेम रखो. नफरत मत आने दो, क्योंकि नफरत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं का नहीं. ये नफरत आपको तबाह कर देगी. जिस तरीके से उन फारसियों ने, सदूकियों ने, यूनानियों ने कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ा इसका क्रूस पर. हालेलुया. इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, प्रेम जो कि जीवन है, आप देखिए उसमें विश्वास, आशा और प्रेम में सबसे बड़ा प्रेम क्या है? पहला कुरिन्थियन तेरह निकालिए. तेरह का तेरह. पढ़ो बेटा. पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थाई है, पर इन में सबसे बड़ा प्रेम है. पर अब आशा, विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थाई हैं, लेकिन इन सबसे बड़ा कौन है? प्रेम है. अगर आपका विश्वास है लेकिन प्रेम नहीं है, आप कुछ भी नहीं है. आपके पास आशा है कि यीशु मसीह आएगा, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो उस आशा बेकार है आपकी. विश्वास, आशा, प्रेम तीनों चीजें स्थाई हैं, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है. हमें विश्वास भी होना चाहिए, हमारे अंदर आशा भी होना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम भी होना चाहिए. लेकिन अगर हमारे अंदर हमारा प्रेम कमजोर है और हमारा विश्वास बड़ा है, हमारा प्रेम कमजोर है और मेरे पास आशा बड़ी है. प्रेम सबसे पहले है. इसलिए वो कहता है अपने पड़ोसी से प्रेम करो. अपने स्वार्थ के लिए अपने पड़ोसी को धक्के मत निकालो, प्रेम करो. जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, क्योंकि प्रेम सब बातों में बड़ा है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है.